ब्रिजेश गौड़ भाजपा युवा मोर्चा का जिले का उपाध्यक्ष हूँ। चैलेंज के साथ कहता हूँ तहसीलदार महोदय, मैं आपके खिलाफ SC ST कोर्ट में, मानवाधिकार आयोग में और लोकायुक्त में मैं जाऊंगा, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। तो भैया, पेड़ पर टंगा हुआ ये शख्स खुद को BJP नेता बता रहा है और नाराजगी है अधिकारियों से। चैलेंज के साथ कहता हूँ तहसीलदार महोदय, मैं आपके खिलाफ SC ST कोर्ट में, मानवाधिकार आयोग में और लोकायुक्त में मैं जाऊंगा, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। यूपी के कुशीनगर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। यह तहसील प्रशासन के खिलाफ एक शख्स पेड़ पर चढ़ गया। वो अपनी बहनों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने से नाराज था। तहसील के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए शख्स पेड़ पर चढ़ा और माइक से जोर जोर से चिल्लाने लगा, जिसे सुनने के बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। मैं ब्रिजेश गौड़ भाजपा युवा मोर्चा का जिले का उपाध्यक्ष हूँ। मैं अपने बहनों का जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पिछले एक साल से आवेदन कर रहा हूँ, लेकिन यह तहसील प्रशासन बार बार मेरे आवेदन को खारिज कर दे रहा है। चैलेंज के साथ कहता हूँ तहसीलदार महोदय, मैं आपके खिलाफ SC ST कोर्ट में, मानवाधिकार आयोग में और लोकायुक्त में मैं जाऊंगा, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। आप एक पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, अपने आपको बता रहे हैं जी। आप बताइए, जियो क्या कहता है, किसी भी विवाहित महिला का जाति प्रमाण पत्र कैसे जारी होगा, उसका जियो क्या कहता है, आप मुझे बताइए। तो वो जाति प्रमाण पत्र आप खारिज कर दीजिए ना, खारिज कर दीजिए। कौन सा जाति प्रमाण पत्र? वो मैं दिया हूँ 6 नवंबर को, जो जारी हुआ है। जांच कर लेंगे, गलत होगा तो जांच करेंगे। जानकारी के मुताबिक फरियादी का नाम प्रियेश गौड़ है, जो खुद को BJP युवा मोर्चा का पूर्व जिला उपाध्यक्ष बता रहा है। मामला कुशीनगर जिले के कसिया तहसील का है। यह बीते दिन समाधान दिवस के मौके पर एक फरियादी माइक लेकर पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर चढ़ने के बाद वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, अपनी बातें कहने लगा और तहसील प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाने लगा। फरियादी के पेड़ पर चढ़ने की सूचना जैसे ही तहसील के अधिकारियों को मिली तो सभी के हाथ पैर फूल गए। तुरंत पुलिस को बुलाकर नीचे उतारने की कोशिश की जाने लगी। जब दरोगा की कोशिश के बाद भी फरियादी पेड़ से नीचे नहीं उतरा तो उसके बाद नायब तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर उसकी मांग सुनी। कि एक व्यक्ति प्रियेश गौंड, उनकी शिकायत है कि उनकी 3 बहनों का जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में उन्होंने शिकायत की थी। पूर्व में उनकी एक शायद सबसे बड़ी बहन है, उनका जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ था, पर वो पिता के एड्रेस पे जारी हुआ था, जबकि लेखपाल को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनकी शादी हो गई है, तो वो पिता के एड्रेस पर त्रुटिवश जारी हुआ, जिसको रेक्टिफाई करते हुए उनकी सभी बहनों का जो कि शादीशुदा हैं उनके ससुराल से नियमों के अंतर्गत जारी कर दिया गया है। पर उनकी शिकायत यह है कि वो फर्जी है, जबकि ये सारा काम ठीक तरीके से, ठीक प्रक्रिया से और नियम के अंतर्गत किया गया। तहसील प्रशासन के मुताबिक प्रियेश गौड़ की बहनों का जाति प्रमाण पत्र जारी हो चुका है। उप जिलाधिकारी ने प्रियेश के आरोपों को खारिज किया। हालांकि इन सब के बीच तहसील में घंटे भर तक हंगामा चलता रहा और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। कुशीनगर से संतोष सिंह की रिपोर्ट, UP तक।